पिछले क्लास में हम लोग मनी मार्केट के बारे में पढ़े थे परंतु आज हम लोग कैपिटल मार्केट का क्लास करेंगे नमस्ते आप सभी को मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकाश जी के इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूँ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं आज हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट जो है फ्रेंड इसको भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैपिटल मार्केट क्या होता है पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म ठीक है ये सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ठीक है यहाँ पे ट्रेडिंग होता है समझ गए अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है ए प्राइमरी मार्केट बी सेकेंडरी मार्केट ठीक है प्राइमरी मार्केट क्या होता है इन दिस मार्केट न्यू शेयर इज इशूइंग प्राइमरी मार्केट में हमेशा नया शेयर को इश्यू किया जाता है द मेन फंक्शन इज टू बाय न्यू शेयर इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है कि नए शेयर को खरीदना ठीक है सेकेंडरी मार्केट क्या होता है सेकेंडरी मार्केट ओल्ड और प्री इश्यूड शेयर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर यानी कि कैपिट प्राइमरी मार्केट में नई कंपनी और सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड कंपनी शेयर इशू करती है ठीक है आगे देखते हैं व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के भी चार इंस्ट्रूमेंट है आई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एफ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर सी राइट इशू एंड डी प्राइवेट प्लेसमेंट एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं आई क्या होता है आई पी ओ वेन अनलिस्टेड कंपनी सॉरी वैन अनलिस्टेड कंपनी ईश्यू न्यू शेयर फर्स्ट टाइम इन द ओपन मार्केट जब अनलिस्टेड कंपनी नई शेयर को फर्स्ट टाइम पहली बार ओपन मार्केट में इशू करेगी उसको बोलेंगे आई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नेक्स्ट वन इस एफ पी क्या होता है व्हेन लिस्टेड कंपनी जो कंपनी पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो अगर शेयर इशू करती है सेकेंड टाइम या फिर आफ्टर आईपीओ उसको ओपन मार्केट में उसको हम एफपीओ बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वन इज राइट इशू वाट इज राइट इशू देखिए राइट इशू क्या होता है वेन कंपनी गिव फर्स्ट राइट टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाइंग ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट बिफोर ओपन मार्केट जब कोई कंपनी अपने शेयर को ओपन मार्केट में आ, मतलब ओपन मार्केट में लाने से पहले अपने जो पुराने शेयर होल्डर्स है उसको डिस्काउंट पे शेयर देती है उसको हम राइट right इशू बोलते हैं ठीक है वेन ए कंपनी गिव फर्स्ट राइट टू दियर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर पहले से ही कंपनी में है उसको शेयर uh, देगी डिस्काउंट पे उसको हम बोलेंगे राइट right इशू ठीक है नेक्स्ट वन इज वट इज प्राइवेट प्लेसमेंट वेन कंपनी सेलेक्ट सम ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एंड गिव द फर्स्ट प्रिफ्रेंस फॉर बाइंग ऑफ न्यू शेयर बिफोर ओपन मार्केट ओपन मार्केट से पहले कंपनी किसी एक ग्रुप को टारगेट करके उसको शेयर इशू करेगी उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल यंग ग्रुप ओल्ड ग्रुप एंड सोन ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है वाट इज सेकेंड्री मार्केट सेकेंड्री मार्केट में क्या होता है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अब इसके अंदर क्या क्या आता है स्टॉक्स चेंज स्टॉक्स चेंज जो है इसमें लार्ज कंपनी लिस्टेड होती है फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स हो गया निफ्टी हो गया ठीक है ओ टी सी ई आई ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ठीक है इट कंडक्ट्स स्मॉल कंपनीज फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाई ओ टी सी ई आई स्टॉक एक्सचेंज में लार्ज कंपनी लिस्टेड होती है ओ टी सी आई में स्मॉल कंपनी ठीक है पहला जो ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी था वो ओ टी सी ई आई के द्वारा प्रोवाइड किया गया ठीक है स्टॉक एक्सचेंज और ओ अब यहां पे आपको सवाल कैसे आएगा कि स्टॉक एक्सचेंज में लार्ज कंपनी होती है फिर स्मॉल कंपनी कंपनी तो लार्ज कभी कभी एग्जाम में OTCI के फुल फॉर्म के बारे में पूछ दिया जाता है ठीक है तो ओटीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं वॉट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट तो यहां पे सेकेंडरी मार्केट मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार है इंडेक्स हो गया आपको सेंसेक्स हो गया बुल मार्केट हो गया बियर मार्केट हो गया ग्रे मार्केट हो गया पार्टिसिपेटरी नोट हो गया इस एक्सटर्नल बोरोइंग हो गया कॉमर्शियल बोरोइंग ठीक है इसके बारे में जीरो कूपन बॉन्ड हो गया गिल टेड सिक्योरिटी हो गया ब्लू चिप कंपनी हो गया सेंसेक्स के बारे में पढ़ते हैं व्हाट इज सेंसेक्स सेंसेटिव इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन ऑफ एशिया पूरे एशिया का अगर सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक्स बोलेंगे तो वो कौन सा है सेंसेक्स है ठीक है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1875 1875 अठारह सौ में सेंसेक्स को स्टैब्लिश किया गया अगर आप जानकारी के लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि सेंसेक्स के पहले ब्रोकर कौन थे तो रायचंद प्रेमचंद उनका नाम था रायचंद प्रेमचंद सॉरी रायचंद प्रेमचंद ठीक है उनका नाम था रायचंद प्रेमचंद सेंसेक्स में टोटल तीस कंपनियां लिस्टेड होती है और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है पचास करोड़ है ठीक है फर्स्ट ब्रोकर ऑफ बीएससी वाज नॉट इस वाज रायचंद प्रेमचंद ठीक है रायचंद प्रेमचंद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज बुल मार्केट देखिए बुल मार्केट क्या होता है वेन इन्वेस्टर बाइ शेयर ऑन लो प्राइस इन्वेस्टर क्या करता है शेयर को लो प्राइस पर खरीदेगा और सेल कर देगा हाई प्राइस पे ठीक है जब शेयर प्राइस इंक्रीज कर जाएगा एग्जाम्पल देखते हैं एक सौ चालीस एक सौ तीस एक सौ बीस एक सौ दस एक सौ सौ रुपये में क्या किया शेयर को बाय किया और एक सौ चालीस रुपया हो गया तो उसको बेच दिया तो इसको क्या बोलेंगे बुल मार्केट ठीक है बियर मार्केट क्या होता है वेर इन्वेस्टर सेल शेयर ऑन हाई प्राइस फॉर प्रॉफिट बट बाई शेयर ऑन लो प्राइस इन फ्यूचर विन शेयर प्राइजेस डिक्रीजेस क्वेश्चन आपको देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे आएगा कि वेन शेयर प्राइजेज इंक्रीजेस दे देगा दे तो वहाँ पर बुल मार्केट होगा अगर वेन शेयर प्राइजेज डिक्रीजेस दे देगा दे दे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बियर मार्केट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वॉट इज ग्रे मार्केट ग्रे मार्केट ये सब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स का यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से संबंधित एक मैं वीडियो अवश्य लेकर आऊँगा ठीक है व्हाट इज़ ग्रे मार्केट ग्रे मार्केट क्या होता है ग्रे मार्केट इज एन इलीगल मार्केट ठीक है इलीगल मार्केट बिकॉज ट्रेडिंग ऑफ दिस मार्केट इज डन आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विच इज डिसाइडेड बाई सेबी सेबी ने क्या कर रखा है कि ट्रेडिंग के लिए कुछ टाइम डिसाइड कर रखा है ठीक है चलिए एग्जाम्पल लेते हैं छः बजे तक अगर छः बजे के बाद कोई ट्रेडिंग होगा तो वो ग्रे मार्केट के अंदर आता है वो इलीगल हो गया मार्केट पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या हो गया वेन फॉरेनर इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन इंडिया इंडियन शेयर मार्केट थ्रू पार्टिसिपेट्री नोट्स विदाउट सेबी अप्रूवल अगर बिना सेबी के अप्रूवल के अगर कोई विदेशी इन्वेस्टर भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं वॉट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग विन इंडियन गवर्नमेंट और कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम फॉरिन कंट्री बैंक एंड कंपनी ऑन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भारतीय सरकार या कोई बड़ी कंपनियां विदेशी विदेशी बैंक से कंपनी से कम इंटरेस्ट पर बोरो करेगी तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यहां पर टर्म ही आ गया एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी गिल्ट एट सिक्योरिटी गिल्ट एड सिक्योरिटी क्या होता है इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन विच इन्वेस्टमेंट इज़ लेस रिस्की ये क्या है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि जिसमें इन्वेस्ट करना बहुत कम रिस्की है ये तो सी और सी बात है कि अगर गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम या योजना हो तो वो इसकी कम ही होता है ब्लू चिप कंपनी क्या है इट इज़ द टॉप मोस्ट कंपनी ऑफ कंट्री वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्क फॉर एग्जांपल रिलायंस टाटा इन्फोसिस टी से जब कोई बड़ी बड़ी कंपनियां में इन्वेस्ट करना हो तो वो लेस रिस्की होता है उसको बोलते हैं ब्लू चिप ठीक है यह हमारा फाइनेंशियल मार्केट के कैपिटल मार्केट से रिलेटेड वीडियो क्लास था उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है चलिए आप आप मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिए धन्यवाद